हेलो दोस्तों, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बच्चों का और बड़ों का सबसे फेवरेट नाश्ता उपमा, और जो कि बनाने में भी आसान होता है, टाइम भी कम लगता है। सो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमने कढ़ाई गरम की है, फिर हमने कढ़ाई में डाला है 1 कप रवा सूजी। अच्छे से मिक्स करेंगे। हम रवे को धीमी आंच में रोस्ट करेंगे, कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, ऐसे उसको रोस्ट करना है एकदम स्लो फ्लेम में, नहीं तो जलने के चांसेस है। आप देख सकते हो कि रवा या सूजी अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। बस अब इसको पैन में निकाल लेंगे, इस तरह से उसको एकदम ड्राई रोस्ट करना है। हम सेम कढ़ाई लेंगे, उसमें 3 चम्मच तेल डालेंगे, उसके बाद 1 चम्मच सरसों के दाने या मस्टर्ड सीड डालेंगे और करी लीव्स डालेंगे 5 से 6। फिर हम डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज, ऑनियन, और उसे अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद उसमें हम डालना है 1 हैंडफुल या थोड़े से, जितनी आपको पसंद है उसके हिसाब से आपको नट्स डालने हैं, मूंगफली जिसे बोलते हैं, पीनट्स बोलते हैं। उसके बाद उसमें डालेंगे शिमला मिर्च थोड़ी सी, फिर उसमें हम डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ टमाटर और मिक्स करेंगे। उसके बाद उसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च, आपको जितनी पसंद है उतनी, मैंने 1 ली। सबको अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। देखिए तेल रिलीज होने लगा है हमारा। अब इसमें हम डालेंगे हमारा रवा सूजी। ये देखिए दाने दाने हमें दिख रहे हैं, इतने अच्छे से आपको ड्राई रोस्ट करना है। बस अब इसको अच्छे से मिला दीजिए, मिक्स कर लीजिए एक साथ, सबको एक साथ बना लीजिए। ये देखिए हमारी सूजी और हमारे वेजिटेबल्स सब एक साथ मिक्स हो चुके हैं। अब हमारे सूजी में हम पानी डालेंगे। मैंने 1.5 गिलास पानी यूज़ किया है अपनी सूजी के लिए। आप डालें 1 कप में 1.5 गिलास पानी लग जाता है। अब बस इसको अच्छे से मिक्स करना है फटाफट। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर करिए एंड कमेंट करिए। हमारी सूजी ने पूरा पानी पी लिया, ये देखिए इतनी खिली खिली लग रही है, ये देखिए। हर धनिया के साथ गार्निश करेंगे, आप चाहिए तो फ्रेश नारियल के साथ गार्निश करते हैं, काफी अच्छा लगता है। तो बस ये हमने 1 कटोरी में उसको फिल किया है और ये देखिए हमने उसको रिप्रेजेंट किया है। कैसी लग रही है आप बताइए कमेंट करके कि आप कैसा बना है उपमा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।